शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 5 कक्षा हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता में आवेदन के लिए हम न्यूनतम जो अर्हता रखी गई, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया जो बोल्ड कलर में आप देख सकते हैं कि जो स्नातक किए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन मतलब NCT की मान्यता प्राप्त, और यहाँ पर दोस्तों 2 वर्षीय DLED लिखा है और अंतिम वर्ष शामिल होने अथवा उत्तीर्ण यानी जो अंतिम सेमेस्टर में है वो भी भर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो चलता है BTC यानी DLED को जो वहाँ BTC के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जब CTET भर रहे थे तो आपका भी इस तरह का यहाँ पर दिखने को मिल रहा था कि 2 वर्षीय DLED या BTC, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसको जो है BTC के नाम से जाना जाता है। जब आप CTET भर रहे थे तो आपका वहाँ पर लिखा हुआ था BTC या 2 वर्षीय DLED। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि NIS DLED वाले भी इसमें योग्यता यानी भर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं लिखा है, मेंशन स्पेशली नहीं किया गया है कि NIS DLED वालों के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपका जो कोर्स है जो है 18 महीना है या 1.5 वर्षीय है या आप जो है TT में भाग नहीं ले सकते हैं या इन सर्विस, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है आपका वहाँ पर। अगर आप DLED के अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट को अगर आप देखते हैं या आइडेंटिटी कार्ड को देखते हैं तो सारे में आपका लिखा हुआ है 2 वर्षीय DLED। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि NIS DLED वाले इस जो उत्तर प्रदेश जो 22/12/2019 से जो भराने वाली है उसमें पात्र होंगे। तो दोस्तों आप अपनी कन्फ्यूज को दूर करने के लिए आप जो अपने शिक्षा सचिव से जो है मिल सकते हैं। मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल NIS ऑनलाइन हमें। तो दोस्तों फाइनली जो है UPTET यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गई है और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कब से कर पाएंगे, आवेदन की तिथि क्या है, एग्ज़ाम फी क्या है और जो है टाइमिंग क्या है एग्ज़ाम की, और यहाँ पर क्या क्या नया नया बदलाव आया है, यहाँ पर पूरी अपडेट यहाँ पर देने वाले हैं। और दोस्तों आप खास करके यहाँ पर बता दूँ जितने भी NIS शिक्षक है इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों NIS जो UPTET होती है मात्र दोस्तों जो है साल में एक ही बार आती है। तो दोस्तों जो भी उत्तर प्रदेश से हैं तो नीचे में कमेंट करके ज़रूरी बताइएगा, क्योंकि दोस्तों साल में जो ये एक बार आती है ताकि वंचित ना हो जाए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी शिक्षकों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको जो है उसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन को वहाँ पर लेके चलते हैं और आपको सारी एक एक बाय पॉइंट्स बताएंगे कि यहाँ पर एग्ज़ाम क्या है और इसमें क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों फाइनली आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फाइनली जो इसका ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आ गया है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2019 की जो है ऑफिशियल डेट आ गई है, आप दो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पत्रांक संख्या लिखा है, प्रेषक लिखा है देव प्रसाद सिंह जो कि विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है और ये दोस्तों कल जो है रात को ही ये अपडेट आया है और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट दिया गया है 17 अक्टूबर 2019, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों विषय में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 एवं आगामी उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु जो है यहाँ पर संशोधित एवं नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत यानी जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ ये जो जारी किया गया है, यहाँ पर आपको इसमें टोटली जो है 41 पेज है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो नीचे में कमेंट कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि
पत्रांक संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट टीईटी 2019 एवं आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के आयोजित के लिए मार्गदर्शन और सुविधा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या NIS शिक्षकों को इसमें जो है मौका मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर पूरी यहाँ पर जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग पर यानी प्रयागराज से जारी किया गया है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा का जो प्रारूप है यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे नोटिफिकेशन को जो डाउनलोड करने के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की अवधि एवं स्वरूप दिया गया है यानी परीक्षा का जो मिनट का जो रहेगा, और इसमें परीक्षा के समस्त प्रश्न जो रहेंगे बहुविकल्प यानी हर क्वेश्चन के चार विकल्प होंगे। इसमें जो दोस्तों नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बहुत सारे शिक्षकों का जो है कॉमेंट्स आया था कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का जो है प्रावधान नहीं है, अभी तक नहीं लागू किया गया है, और जैसा कि ऑनलाइन भी नहीं, ये ऑफलाइन ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहना है कि परीक्षा समानता वर्ष में कम से एक बार आयोजित हो जाती है। दोस्तों ये जो यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है साल में एक बार ही आयोजित होती है, और आप लोग जानते हैं दोस्तों सीटेट जो हर 6 महीने में अब करा रही है, और दो एक महीने से जो है लेट हुई थी लेकिन अब हर 6 महीने में कराएगी। तो दोस्तों आप जो है उन शिक्षकों तक ये शेयर कर दे ताकि वो जो है इस परीक्षा से वंचित ना हो, क्योंकि दोस्तों एक साल में जो है एक ही बार आती है। जो आपके दोस्त या रिश्तेदार जो भी है यूपी टेट अगर भरना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ यहाँ पर जानकारियाँ दी गई है, आप यहाँ पर जो है इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें अब आपके फ़ोटो साइज दिया गया है कि आप फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पात्रता दिया है, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर दिया है, तो यूपी टीईटी में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 5 कक्षा हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता में आवेदन के लिए हम न्यूनतम जो अर्हता रखी गई आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है जो बोल्ड कलर में आप देख सकते हैं कि जो स्नातक किए हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन मतलब NCT मान्यता प्राप्त, और यहाँ पर दोस्तों 2 वर्षीय DLED लिखा है, और अंतिम वर्ष शामिल होने अथवा उत्तीर्ण यानी जो अंतिम सेमेस्टर में है वो भी भर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो चलता है BTC यानी DLED को जो वहाँ BTC के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जब सीटेट भर रहे थे तो आपका भी इस तरह का यहाँ पर दिखने को मिल रहा था कि 2 वर्षीय DLED या BTC, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसको जो है BTC के नाम से जाना जाता है। जब आप सीटेट भर रहे थे तब आपको वहाँ पर लिखा हुआ था BTC या 2 वर्षीय DLED। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि NIS DLED वाले भी इसमें योग्यता यानी भर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं लिखा है, मेंशन स्पेशली नहीं किया गया है कि NIS DLED वालों के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपका जो कोर्स है जो है 18 महीना है या 1.5 वर्षीय है, या आप जो है TT में भाग नहीं ले सकते हैं या इन सर्विस, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है आपका वहाँ पर। अगर आप DLED के अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट को अगर आप देखते हैं या आइडेंटिटी कार्ड को देखते हैं तो सारे में आपका लिखा हुआ है 2 वर्षीय DLED। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि NIS DLED वाले इस जो उत्तर प्रदेश जो 22/12/2019 से जो भराने वाली है उसमें पात्र होंगे। तो दोस्तों आप अपनी कन्फ्यूज को दूर करने के लिए आप जो अपने शिक्षा सचिव से जो है मिल सकते हैं, मैं यही सलाह दूंगा आप लोग को। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ और एक दिया है कि जो स्नातक है साथ ही साथ शिक्षा मित्र या 2 वर्ष BTC किए हैं वो भी जो है भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा मित्र वहाँ पर हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें दिया गया है कि स्नातक उत्तीर्ण और जो शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष DLED किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, और यहाँ पर दिया है 50 वर्षों के साथ उत्तीर्ण
स्नातक या यहाँ परामर्श शिक्षा शास्त्र जो स्नातक किए हैं या बीएड किए हैं उसको यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो 45% है और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा शास्त्र यानी बीएड किए हुए हैं उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो है विशिष्ट यानी बीसीटी और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो स्नातक किए हैं और साथ में जो है 2 वर्ष बीटीसी यानी उर्दू से किए हैं वो भी इसमें भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अलीगढ़ यानी स्नातक किए हैं और साथ ही साथ डिप्लोमा इन टीचिंग में अंतिम वर्ष है वो भी आप भर पाएंगे स्नातक से जो किया है अलीगढ़ विश्वविद्यालय से। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो स्नातक किए हैं तथा उत्तर प्रदेश में संचालित करते हैं वो भी पात्र हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पेशली NIST डीलेट के बारे में जिग नहीं किया गया है। आप जो अपने शिक्षा जो आप जो एकजुट होकर संघ बना के आप जाइए प्रयागराज, उनसे मिलिए कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको भर पाएंगे कि नहीं। आप से ही मैं जो है आग्रह करूँगा आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जाएँ एकजुट होकर। और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि NIST डीएलएड, लेकिन आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है 2 वर्षीय डीएलएड। और यहाँ पर जो है कहा गया है कि यहाँ पर 2 वर्षीय डीएलएड वाले जो हैं भर सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है यानी सारे यहाँ पर दिया गया है जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट में 50% है और NCT रिकॉग्नाइज UGC मान्यता है वो जो है 4 वर्षीय बीएड है या बीएड है अंतिम वर्ष में वो भी भर सकते हैं उसमें। उसके बाद साथ ही दिया है न्यूनतम 50% इंटरमीडिएट या NCT से यहाँ पर 4 वर्ष उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे में लेकर चलते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि आपके जो पेपर होंगे यानी पेपर जो होंगे आपके MCQ टाइप में होंगे। प्रत्येक जो है क्वेश्चन के पर एक नंबर मिलते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर अभी तक नहीं लागू हुआ है और इसमें जो है आपका 2 पेपर होंगे 1 to 5 और 6 to 8। तो प्रथम पेपर में जो है यहाँ पर 1 to 5 शिक्षक बनना चाहते हैं वो जो है प्राथमिक शिक्षक, और जो पेपर 2 है यानी 6 to 8 उसमें उच्च प्राथमिक शिक्षक। और ऐसे व्यक्ति जो दोनों में शामिल होना चाहते हैं तो दोनों ही जो है पेपर को भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रथम पत्र से यहाँ पर दिया गया है कि उसकी परीक्षा की अवधि क्या होगी, तो 2.5 घंटे होगी यानी 150 मिनट। और जो विषय होगा आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर विषय में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है CTET में वैसा ही है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि से जो आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क होगा, हिंदी से आपका जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और यहाँ पर अगर आप प्रथम लैंग्वेज है ये द्वितीय लैंग्वेज जिसमें से कोई आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और गणित में आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क, पर्यावरण अध्ययन यानी 30 मार्क, टोटल आपका जो है 150 क्वेश्चन यानी 150 अंक का हो जाता है इसमें दिया गया है। जितने भी इसमें सिलेबस दिया गया, साथ ही साथ दोस्तों इसमें दिया गया है पेपर 2 का अगर आप भरते हैं 6 to 8 में तो आपको परीक्षा की अवधि वही होगी, उसके तुरंत ही बाद एग्जाम लिए जाएंगे जिस दिन होगी। और परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटे 120 मिनट। इसमें भी जो है यहाँ सिर्फ आपको इसमें चेंजिंग आपको मिलता है यहाँ पर जो साइंस और ये होते हैं साइंस और गणित उसमें दोनों मिलावट होते हैं यानी आप जो चूज कर सकते हैं उसका आपके जो है इसको डिपेंड करता है कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 बाल भी दिया गया है 150 पूरे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरा फिर नीचे में आप आते हैं तो इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 60% लाना होगा यानी 90-150 में आपको जो है 90 लाना पड़ेगा अगर आप OBC अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ST SC OBC और जो अदर जितने भी आते हैं जिनको जो है छूट दी जाती है तो उसके लिए यहाँ पर 45 लाना पड़ेगा, ये 45% लाना पड़ेगा यानी आपको जो है 150 में आपको जो 82 लाना है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसा कि प्रावधान दोस्तों आप लोग को CTET को में भी देखने को मिला है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है कि आप कैसे इसकी जो है सिलेबस को
यहाँ पर दिया गया है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, और यहाँ पर परीक्षा का आयोजन जो होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पूरी ही जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फी के बारे में। यहाँ पर सबसे नीचे जब आते हैं नीचे में, तो यहाँ पर फी के बारे में दिया है। यूपी टेट के लिए परीक्षा शुल्क, तो पेपर वन अगर आप भरते हैं सिर्फ सामान्य और ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर रखा गया है 600 रुपया सिर्फ पेपर वन या पेपर टू के लिए। मतलब इसमें से कोई एक भरते हैं तो आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा, अगर दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। जैसा कि सीटेट में है कि एक पेपर के लिए 700, दो पेपर के लिए 1200। उसके बाद एसटी और एससी के लिए 400 रुपया है पेपर वन या पेपर टू के लिए, और दोनों पेपर अगर आप भरते हैं तो आपको जो है 800 रुपये का चार्ज लगता है। जो विकलांग कैटेगरी के आते हैं यानी हैंडीकैप के लिए, उसके यहाँ पर 100 रुपया रखा गया है पेपर वन के लिए, पेपर वन या टू के लिए किसमें से भरते हैं, पेपर टू दोनों ही भरते हैं तो आपको 200 रुपया रखा गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे में जो है आपको यहाँ पर पुलिस पूरी जो है सिलेबस आएगी, आपको क्या क्या जो है पढ़ना है और किस तरह का जो आपके क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाल विकास जो कि पेडोलॉजी से जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सारे यहाँ पर जो है सिलेबस को मेंशन किया गया है। आप इसको अगर लेना चाहते हो नीचे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हिंदी का जो है सिलेबस दिया गया है कि आप कैसे तैयारी करेंगे इसका, तो इसको सिलेबस को आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर इसके ऑफिशियल साइट पर दे दिया है। इंग्लिश का आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको गणित का मिलेगा। गणित में 30 जो है पूरी सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सोशल स्टडीज यानी विज्ञान जो रखते हैं आप, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, उसमें से आपको पूरी सिलेबस यहाँ पर जो है दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पेपर टू के लिए भी यहाँ पर दिया गया है सिलेबस, यानी पेपर टू और पेपर वन के लिए जो है पूरी सिलेबस आपको यहाँ पर दे दिया गया, जो कि 41 पेजेज में है। और यहाँ पर पूरी जानकारी दे दिया गया, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है और गणित में क्या पढ़ना है, तो सारी यहाँ पर जानकारी दे दिया गया। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो नीचे में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से आप सारी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको जल्द ही जो है यूपी टेट, सी टेट, जे टेट और अदर सुपर टेट का जो है क्लास मिलने वाला है, यानी मैथ का। तो दोस्तों चैनल पर बने रहे, जो भी अपडेट जो है आती है सबसे पहले मैं देने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे, सबसे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि एग्ज़ाम कब होगी और फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि प्रकाशन विज्ञापन का जो प्रकाशन 31/10 को यहाँ पर होगा, और ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है 1/11/2000 यहाँ पर अपराह्न से की जाएगी, और रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि जो है 20/11 रखा गया है, और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है 21/11/2019 को रखा गया है। आवेदन पूर्व भरने एवं पूर्व आवेदन कंप्लीट करने की अंतिम तिथि जो है 22/11/2019 रखा गया है। और परीक्षा केंद्र के निर्धारित में जो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर करना है वो 22/11 से पहले कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। उसके परीक्षा केंद्र की निर्धारित तिथि जो है 2 दिसंबर को पता चल जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर उसके बाद ऑफिशियल लोड पर जो है एडमिट कार्ड जो है 12/12 को जो आ जाएगा, और एनसी की लखनऊ की यहाँ पत्रिका के लिए यहाँ पर तिथि यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दोस्तों आपको दे दी है। तो दोस्तों आज वीडियो को आप सभी शिक्षकों तक शेयर कर दीजिएगा जो भी यूपी टेट भरना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और स्क्रीन पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं यूपी टेट परीक्षा जो होगी प्रथम पाली का जो होगा ये जो 22 दिसंबर को होगा, जो कि 10 बजे से 12:30 बजे तक, और जो द्वितीय पाली होगी यानी पेपर टू तो वो जो है 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। यानी दोस्तों आपको जो है जानकारी मिल गई होगी कि यूपी टेट का जो है नोटिफिकेशन आ गया है, और इसका जो है ऑनलाइन जो है ऑनलाइन जो भरने की तिथि है आपको पता चल गया कि जो है ऑनलाइन जो तिथि है भरने की तिथि है वो जो है 1/11 से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आई होप
वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं कुछ ही देर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।